कलेक्टर बनने वाला जो थाना बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? गुरुदेव, एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी गुजरो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नथी क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर? क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा है, घाघरा, घुंगरा घुंगरा घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना, उठ जाके कपड़े दो। पैंट गीली कर रहा मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पाल डालेंगे। हाँ, शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू, हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू, घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, आप दो। राज वगर ना, तने आ घाघरो चोली जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। आप तो मैंने किसी की तरफ घाघरो
तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, डाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। उधर मारा? वहाँ भी मारा। जनरल बाबा ने? रोता क्यों, आप कहीं मत जाना। हाँ यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, पिये ले, प्लेट ले दो। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। आले चार? एक बे तीन चार। ये क्या? छह पांच छह। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा तो तुम्हें 5-star होटल से खाना ला के दें। जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है? हाँ चाय चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो दो लाना। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों बहुत खाती है क्या? नहीं बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना। ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। ठहर जरा, अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा? सुनो बिल्कुल यही लगना चाहिए। ये गूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। कुछ भी हो मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ,
मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। रुको, बंद करो, ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ सकता हूँ, समझा कि नहीं? ए, चल फुट। ए, क्या फुट? संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? ओ साहब, मैं कह रहा था टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा, तो ये श्रुति का पति है? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो, ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फसाओ मत मुझे, पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा था? हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। ऊपर आराम लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। दबा रहे थे। ए, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए,
साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊं मेरी एक किडनी नहीं है। तो गूंगा क्यों बनता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं नहीं वो डॉक्टर ने कहा था काम माम मत करना नहीं तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बन जा इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे यही रहने दीजिए। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग कैसे समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या वो कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। हा? ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। क्या कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठक दारू पी रहे थे तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एडवर्ड तेरे सपने में समझ गया। ये देखो श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम साहब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसी नहीं हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो चलो। श्रुति दिकरी दिख रहा तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिख रही वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा अहमदाबाद की दो कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है?
दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मेम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे? मंगल कैक तो विचारी ने लग्न नक्की करे आशे ने। बराबर, मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बिचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया। श्रुति, तारे तारा भाई की बात मानी लेनी चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या, ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना। चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं, मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए, पागल। ए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। ए, आया। बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे वो, ये वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो, मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। एक मारूंगी ना तुम्हें, प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक, संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंचाए गुजरात तक इतना ही काफी है, ये लो। मेरी आवाज? आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू छू, तमे कौन? कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अरे तुम्हें पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके, पढ़ो। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर, बोल बोल बोल। अमे बेवश थी प्रेम मा चाहिए, अमे बने एक बीजी वगर जीवी नहीं है शकिए, अने जो कोई माँ नो लाल वचमा आवी, अने श्रुति नी साथ लगन करवानी कोशिश करी, तो अमारा बनना नी लाश तने मंडप मा जोवा मन छे, समझियो के शू। गप्पर सिंह नहीं वाला, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा, तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो। अच्छा, और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हा? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा, और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो उन दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। ए देखो, ये तो पापा पापा है। हाँ, ये पापा पापा पापा, यही रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। ए सुनो, मैं ये संदेश तुमने भेजा है? अमारे त्यां संदेश नहीं, गुजरात समाचार आवे छे। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। अखबार એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो, तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना, तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। शू मतलब की? अब मैं इसको पढ़ता हूँ,
तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है, लाइट में है। हूँ श्रुति ना आशिक बोल रू छू, हमें बेवस्ते प्रेम चाहिए, हमें बनने एक बीघा बगर जीवन ने चके, अन्य जो कोई माई का लाल पाछो हाथ पर अन्य चेरी मतलब चाले कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं, हाँ? नहीं। आप मेरी बात सुनो। भैया उसे मत मारिए, प्लीज। नहीं। क्यों किया तूने? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे। बताओ। अंगे, आप बीच में बताइए काका। इसी कमीने ने फोन किया था, इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है। नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो। वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए, उसे छीन कर भाग रहा था। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं, हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमें इमनी शर्तो मानी ली थी? जी मान ली, मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग, मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं से फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो? मंगल, वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी, मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था, उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं, आज ही रात तुम यहां से चले जाओ। चला जाऊं? कहां? कहीं भी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा। क्या 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहां से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओ, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15,00,000 दे दूं तो? क्या? तो सारा पक्का? एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी रुक,
क्या समझती है तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले, उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बूम, गुड नाइट। गुंडिया भाव, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है ढेमना साला। गुंडिया गुंडे मत बनो, अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लात मार उसकी नौकरी को। साला नौकरी मैं तुझे दूंगा, कल से आजा मेरी बोट पे। अरे मैं बोट पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया घुसेड़ के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी पूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत देखो, तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, आपने जबान दिया दिया, अभी क्रिकेट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उनको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनाओ। हमारी बात में बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए, लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल छनी का नहीं डरता हूँ, और मैं भी खारवा का बेटा हूँ। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को, ढक्कन खोलता हूँ तेरी मंगल बाटली का। बोला हाथ नहीं लगाने का, बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, उससे जो हुआ वो एक भूल थी, दूध वाला, जिसका मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ। हेलो सर। नौकरी पे रखा है मैंने उसे, 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं। मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा जबा बनाने। स्त्री गायब। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस बहुत ही सारे कागज चला गए। पैसा मिला? जी नहीं मिला। तो फिर यहाँ हाथ लटकाए हुए किस लिए आए हो? एक नंबर के निकम्मे हो तुम, पैसा वसूल नहीं कर सकते? जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी। मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। मैं क्या बताऊँ सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना, तुम तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्या हुआ उसका,
उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ, बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अजी, गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके, अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं वसूली, इसे कहते हैं लेनदार, इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो। हाँ, हिसाब ये रहा, ये रहा। एक मिनट। जीत के बच्चे ने मेरा भाई साहब ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ, मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे गई, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो, पूरे गांव को धोखा दिया उसने। भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। जब भी कोई जरूरी काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया, 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ नहीं, नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा। और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके। वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना, तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो कैसे हुआ ये? कुछ नहीं कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया, फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख करते, मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता, किसी को कंधा देना होगा मेरे शरीर को। यह मेरा दूसरा जन्म था, बिना कुछ सुने बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया, उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, वो सब मिलाकर बता रहा हूं। इनी मां ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को, तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना, वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो, और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा, है ना? ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा, और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ,
ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैग जाती। चल ठीक है। और सुनो, पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना, जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो, पैसा दो, पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है, क्या बात है? आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या, घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चलाया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चलवे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या, बैग में पैसे देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और। क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले बेवकूफ, खड़ा क्यों? तो खोल ले, खोल ले, देखते हैं। खोल, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो, तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन, मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूं मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है, ही हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति, पति पति काय का पति रखू। और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के गुड्डू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या
तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। रावण के खानदान साले मछली काट सुअर की धूम चिलिया का मुंह साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना दोस्त। अच्छा मेरी बात सुन तो, एक सेकंड, प्रॉब्लम तो समझ आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया।